नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में इस समय माहौल चुनावी है और राजस्थान में इन दिनों चुनावी सुरगिल अपने सुरूर पर है। हर कोई भारी संख्या में नामांकन करने पहुंच रहा है। इसी क्रम में जैसलमेर में कांग्रेस उम्मीदवार रूपाराम मेघवाल के नामांकन में भी भारी भीड़ उमड़ती नजर आई। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने रूपाराम मेघवाल के नाम के जमकर नारे लगाए। इस दौरान हनुमान चौराहे की चारों ओर सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता ही नजर आ रहे थे। खबर सूरतगढ़ से। सूरतगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी डूंगर राम गेदर के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष परशुराम भाटिया, कमलेश मीणा, अमर सिंह राठौर समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने पुराने धान मंडी में जनसभा की, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस समर्थक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में डूंगराम गेदर अपने समर्थकों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी डूंगराम गेदर के समर्थकों की भीड़ देखकर लग रहा था कि सूरतगढ़ में विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी डूंगराम गेदर की जीत निश्चित है। जिले के अंदर जो बड़ी बड़ी मेयरें बनी हुई है, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। तो साथियों, कांग्रेस पार्टी एक गरीब की, एक मजदूर की, एक हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। साथियों, हम लोग देखते हैं कि आजकल पार्टियों के अंदर जातिगत तो आज के प्राइम राजस्थान में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।